रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गईं और बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी उनकी और उनकी माँ मोरिन वाड्रा की याचिका खारिज कर दी गई। इससे आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित 9 याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन बढ़ती परेशानियों के बीच वाड्रा के फ्रस्ट्रेशन का शिकार बेचारे मीडिया वाले हो रहे हैं। वाड्रा उस वक्त बेहद विफर गए जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। सवाल सुनते ही वाड्रा भड़क गए। दरअसल रिपोर्टर रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद रिपोर्टर ने मोबाइल से एक तस्वीर ली और वाड्रा आपा खो बैठे और कहा कि इन पर पुलिस केस करो। दरअसल बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हालांकि वाड्रा को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है और पूर्व में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को 2 सप्ताह तक जारी रखने का फैसला सुनाया है। बीकानेर भूमि घोटाला ईडी के ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त शामिल थी। आरोप के मुताबिक वाड्रा ने 72 लाख रुपए में जमीन खरीदने के बाद कई करोड़ रुपए में जमीन बेचकर 615% मुनाफा कमाया। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा मोरिन वाड्रा से ईडी ने 2019 में मामले के संबंध में पूछताछ की थी। बाद में उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया कर्मी के प्रति ऐसा रवैया कोई पहली बार नहीं दिखाया। इससे पहले नवंबर साल 2014 में भी रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के विवादास्पद जमीनी सौदे को लेकर पूछे गए सवाल पर एक रिपोर्टर पर भड़क गए थे। उन्होंने रिपोर्टर से बदसलूकी करते हुए माइक को जोर से झटका दे दिया था। इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबियों ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वाड्रा ने न्यूज एजेंसी का माइक नहीं देखा था, उन्हें लगा कि निजी फोटोग्राफर ने सवाल पूछा है। बहरहाल लोकतंत्र की दुहाई देने वाले गांधी वाड्रा परिवार के सदस्य एक बार फिर से लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत यानी सवाल पूछने को लेकर ही भड़क गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।